Good morning to all. Today I am going to tell you about direct or indirect. Before this video I have taught in many part tenses as well as active passive. This is the third most important topic of English. First I have taught you tenses, then active passive, now reported speech, you can say reported speech, direct, indirect and narration. These are called. Today I am going to start with direct, indirect. First, I want to tell you the sentence. What is direct or indirect? Suppose I have told you something. मैंने आपको कुछ कहा और आपने सुना. मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं. ये direct communication है. तो ये वाला जो sentence होगा जो मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कल छुट्टी होगी. ये direct sentence हो गया. अब आपने यही सेंटेंस घर जाकर अपने पेरेंट्स से कहा तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट. अब इस देखिए, यहाँ कहने वाला मैं हूँ, सुनने वाले आप हो. घर जाओगे तो कहने वाले आप हो जाओगे और सुनने वाले मम्मी या पापा हो जाएंगे. यही हमें ध्यान रखना है. तो फर्स्ट क्या चेंजेस होगा, यदि कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, फर्स्ट हमें पर्सन को देखना है. पर्सन चेंज हो गया, ठीक है. और अब देखिए बात में फर्क आ गया. अभी मैं आपको कह रहा हूँ आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 8 घंटे बाद जब भी अपने पेरेंट्स से मिलेंगे तब आप उनको ये बात कहेंगे, तो समय में भी चेंजेस आ जाएंगे. तो हमें क्या दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक तो पर्सन को चेंज करना का ध्यान रखना है, पर्सन कैसे चेंज करना है, और टेंस कैसे बदलना है, यानी टेंस कब और कैसे बदला जाएगा. इसी चीज़ पर हम सारा का सारा फोकस करेंगे. ध्यान से आप सुनते रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिखे, ठीक है. इन सेंटेंसेस के अनुसार सबसे पहले हमें ये देखना है, यदि सेंटेंस का ये वाला पार्ट है इसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. हमें सबसे पहले इस वाले पार्ट को चेक करना है. यदि इस वाले पार्ट में पास्ट है, क्या है, पास्ट टेंस है, तभी हमें इस वाले पार्ट में चेंजेस करने होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ध्यान से सुनना, यदि इस वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो इस वाले सेंटेंस में हम टेंस के चेंजेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. परंतु पर्सन हर सेंटेंस में बदले जाएंगे. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ देयर इज पास्ट इन रिपोर्टेड वर्ब देन वी विल चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच. व्हाट वी विल चेंज? टेंसेस. टेंसेस विल बी चेंज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. व्हेन इट विल बी चेंज्ड? व्हेन पास्ट इज देयर इन रिपोर्टेड वर्ब. यदि रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. एक बात क्लियर कर ले. दूसरी बात, पर्सन, पर्सन हमेशा चेंज होंगे, लेट इट बी एनी सेंटेंस. देखिए टेंस तो कब चेंज होगा, जब पास्ट होगा यानी सेट होगा. पास्ट को इंडिकेट कौन करता है? सेट एंड सेकंड फॉर्म. जब पास्ट होगा तो टेंस बदला जाएगा, परंतु पास्ट नहीं है फिर भी पर्सन तो बदले जाएंगे. यानी प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो पर्सन तो फिर भी बदले जाएंगे, परंतु टेंसेस कब बदले जाएंगे? जब पास्ट होगा. चलिए अब हम बात करते हैं पर्सन कैसे बदले जाएंगे. पर्सन इस फॉर्मूले के अनुसार बदले जाएंगे. सन, सन का एक फॉर्मूला हम देते हैं, उसके अनुसार पर्सन बदले जाते हैं. ऐसे है ना, सब्जेक्ट. देखिए किसी भी सेंटेंस का ये एक सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट आ गया रिपोर्टेड वर्ब में, जो पहले पहले है वो सब्जेक्ट हो गया, और उसी रिपोर्टेड वर्ब में जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. अब देखिए पर्सन कैसे बदले जाएंगे. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई. आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, यहां आई है ये इस सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा. मतलब यदि हम ये सेंटेंस चलाएंगे, सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे,
तो हमें क्या करना होगा, ये आई क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, वर्क इट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन यानी यू, यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यदि यहाँ यू, मैंने इस सेंटेंस में यू को मेंशन किया है, ये यू है तो ये किसके अनुसार चेंज होएगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस फॉर्मूले पे आप फोकस कीजिए, फर्स्ट पर्सन यानी आई हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन यानी यू हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये आई ही बना क्यों, क्योंकि यहाँ ही है, यदि यहाँ ही न होकर यू होता तो यहाँ पर ही के बजाय यू आ जाता। Getting my words? हमें पर्सन के अनुसार पर्सन बदलना है, रूल को आप फॉलो करेंगे सभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट थिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड थिंग, जो भी ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा, अभी सेंटेंस में मैं करके दिखाऊंगा। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन हो गया, ही या शी, एन, एन मीन्स नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी यहां यदि ही है तो वो ही रहेगा, शी है तो शी ही रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। नक्शा में मैं रिपीट कर देता हूं, सन वाला फॉर्मूला 1 2 3 फॉर्मूला में ध्यान रखना है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा हमें टेंसेज में बदलाव करने हैं, टेंसेज में बदलाव कैसे होंगे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट रहेगा, सब अपनी पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे। विल बन जाएगा वुड, कैन बन जाएगा कुड, मे बन जाएगा माइट, शैल बन जाएगा शुड, इस तरीके से सब अपनी पास्ट फॉर्म में चले जाएंगे। पर्सन बदलना हमने देख लिया, टेंसेस हमने देख लिया, अब देखिए मैं सेंटेंस चेंज करके दिखाता हूं। ही सेज अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाने के बाद इसकी जगह कनेक्टर के तौर पे दैट आएगा, ही सेज दैट, दैट क्यों आया, क्योंकि हमने ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा में होगा तभी सेंटेंस डायरेक्ट होगा, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा हमेशा सेंटेंस इनडायरेक्ट होता है, तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट आ गया, दैट इज वर्किंग एज कनेक्टर। ही सेज दैट ही कैसे आ गया, क्योंकि ये आई क्या बन गया, ही, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही बन गया, ही सेज दैट ही। अब देखिए क्या हमें टेंस चेंज करने हैं, नहीं करने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेड नहीं है यानी पास्ट नहीं है, यदि यहाँ पास्ट होता तो फिर हम यहाँ टेंस बदलते, परंतु यहाँ पर पास्ट नहीं है इसलिए टेंस वही रहेगा। सेम टेंस, कौन सा टेंस है, आई एम पेइंग मनी, ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगा, ही इज पेइंग मनी, ये बन गया आपका इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट, गॉट इट। इसमें हमने क्या चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेड नहीं है, यहाँ पर पास्ट नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस को, ही सेड, क्या हो गया, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया बन गया दैट। अब ये आई किसके अनुसार चेंज होगा, इस ही के अनुसार, तो बन गया ही। अब देखिए यहाँ पर सेड है तो हम यहाँ पर टेंस को भी चेंज करेंगे, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, ही
was paying money. ये बन गया आपका indirect और ये हो गया आपका direct. He said, I am paying money. Inverted comma आता है. He said that he was paying money. इस सेंटेंस में देखिए हमने पर्सन भी बदला टेंस भी बदला है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है. अब सेकंड थर्ड सेंटेंस देखिए. He will say that. इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगाया और आई बन गया ही क्योंकि यहाँ पर ही है. यदि यहाँ यू होता तो यहाँ ही के बजाय यू आ जाता. ही अब देखिए विल से है पास्ट नहीं है इसलिए हम टेंस नहीं बदलेंगे. सेम टेंस रहेगा. ही इज पेइंग मनी. ये हो गया इनडायरेक्ट. ये डायरेक्ट होता है. व्हाट इज एवरीवन. अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यू के साथ लिया हमने सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदलना है वो भी देख लीजिए. सबसे पहले हमने देखा ही सैड. अब देखिए यहां गौर करने की बात है. इन वाक्यों में सिर्फ इतना था ही सेज ही सैड. आगे ऑब्जेक्ट नहीं था. इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ गया है. ही सैड टू राम. तो फिर ये सैड नहीं आएगा. टोल्ड हो जाएगा. ही टोल्ड राम. ये सैड टू बन गया टोल्ड. यदि से होता सेज टू होता तो बन जाता टेल. ये नियमों के अनुसार हम बदल रहे हैं. यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है यदि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो वो सेज है तो टेल बन जाएगा और सेट टू है तो टोल्ड बन जाएगा. तो ही टोल्ड राम. अब कनेक्टर आया दैट. कनेक्टर आ गया दैट. अब ये क्या है यू. यू यानी सेकंड पर्सन. ये इस राम के अनुसार बदलेगा. या तो हम राम लिख सकते हैं या फिर ही लिख सकते हैं. दोनों में से आप जो भी लिखेंगे सही होगा. यू क्या बन गया ही या राम. अब टेंस भी बदल रहा हमें क्योंकि यहां सेड आया हुआ है. तो फिर हो जाएगा ही वॉज पेइंग मनी. ये हो गया इनडायरेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट. गॉट इट एवरीवन. लास्ट एग्जांपल मैंने यू के साथ लिया है. इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया. ऑब्जेक्ट नहीं दिया परंतु अंदर वाले सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में मैंने यू लिखा है. अब यू है. यू किसके अनुसार चेंज होता है. ऑब्जेक्ट के अनुसार. और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है. जब किसी रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने मन से मी माना जा सकता है या हिम हर कुछ भी माना जा सकता है. मोस्टली मी माना जाता है. हम भी यहां मी मानकर सेंटेंस को बना रहे हैं. आप मानने में हिम भी मान सकते हैं हर भी मान सकते हैं परंतु मैं मी मानकर सेंटेंस को बना. मी हमने अज्यूम कर लिया. मी को हमने यहां मान लिया तो फिर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा. देखिए ही टोल्ड. टोल्ड क्यों आया क्योंकि हमने यहां पर ऑब्जेक्ट अपने मन से बना लिया. ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड का टोल्ड हो गया. ही टोल्ड मी क्योंकि हमने मन से मी माना. फिर दैट दैट आ गया. उसके बाद यू क्या बन जाएगा किसके अनुसार चेंज होगा जो हमने माना है मन से हमने क्या माना मी. तो मी क्या बन गया आई. गॉट इट. मी और आई. ही टोल्ड मी दैट आई. आई के बाद हम टेंस बदल देंगे. आई वॉज पेइंग मनी. गॉट इट एवरीवन. लाइक दिस यू कैन चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कुछ टाइम इंडिकेटेड वर्ड्स हैं वो भी चेंज होते हैं. दिस दैट बन जाता है. दीज दोज बन जाता है. इसी प्रकार नाउ देन बन जाता है. ठीक है अगो बिफोर बन जाता है. दैट डे दिस डे दैट डे बन जाता है. इस तरीके से टाइम इंडिकेटेड वर्ड्स भी चेंज होते हैं. उनका भी हमें बराबर ध्यान रखना होगा. साथ के साथ यदि हम उनका भी ध्यान रखेंगे तब हम आराम से इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आराम से कर पाएंगे. इसके अलावा
एक नियम और हमें ध्यान में रखना है, भले ही रिपोर्टेड वर्ब में सैड आ जाए, भले ही रिपोर्टेड वर्ब में सैड आ जाए, पास्ट आ जाए, परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई मुहावरा, प्रोवर्ब, इडम, फ्रेज इनमें से कुछ है तो उनमें से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, भले ही यहाँ सेट आ जाए वो सेंटेंस एज इट ही रहेगा। सपोज द सेंटेंस इज ही सेड माय टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो वो अर्थ इज राउंड ही रहेगा। ठीक है, सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो सन मूव्स अराउंड द अर्थ ही रहेगा, उसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। इन छोटे छोटे नियमों को आप ध्यान में रखोगे तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो मैंने आपको बताए ये सिंपल सेंटेंसेस है, सारे के सारे सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस इसमें आएंगे। फिर मैं बात करता हूं इसके अलावा जो सेंटेंस आएंगे उनमें है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद ऑक्टिव सेंटेंसेस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सारे के सारे सेंटेंसेस भी चेंजेस होंगे, पर उनमें नियम थोड़े थोड़े डिफरेंस रहेंगे, थोड़े थोड़े अलग रहेंगे। अब मैं आपको आगे उन बाकी सेंटेंसेस की तरफ लेकर चलता हूं। चलिए, यहां तक होने के बाद जो बाकी बचे हुए सेंटेंसेस हैं जिनमें मैं बात कर रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन चार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी जो सेकंड पार्ट होगा वो इन चारों का होगा और इस दो ही पार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो मैंने बताया वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें मैंने बेसिक रूल्स और बेसिक सेंटेंसेस को चेंजेस करना बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।